अभी गए हैं देखो झंडा बांधो यहाँ इस बार मैंने कभी झंडा बांधो यहाँ ये कुछ गेट बंद है किस गेट बंद हो अच्छा ले एलआई वाले आए अभी और फोन आया हमारे भाई का गांव में हम तो लग रहे हैं ये धरना चल रहा है तो कहां गए भैया कहां गए क्यों नहीं बादल से बादल वाला है ना बादल राम तार ये पूरे उत्तर प्रदेश में है भाई किसानों ने मांग की थी कि सरकार कह रही थी कि हम अक्टूबर में मील चालू करा देंगे और सारा पेमेंट आपका दिलवा देंगे अभी तक तो ना तो कोई मील चालू हुई है और ना ही किसानों का 125 करोड़ रुपया हमारा यहाँ है ना हमें बकाया मिला है 125 करोड़ रुपया लमसम बनता है तो किसान अपना हक मांगने के लिए आया है गन्ना लेके आया है इनके यहाँ डाला है ये पर्ची दें गन्ना डलवाएं मीलें चालू कराएं सरकार अगर अक्टूबर में मिले चालू होती हैं ठीक है नहीं होती तो जो धरना यहाँ चल जाए ये नेशनल हाईवे पर चला जाएगा फिर रोड पे होगा आज तो डीएम कार्यालय के सामने है कल ये 30 तारीख के बाद अपने खेतों का गन्ना काट के ही डालेंगे सारा नहीं सारा गन्ना ही नहीं देंगे अपने खेतों में भर देंगे या तो डीएम साहब लें या मिल या मिल चालू कराएं तो इस धरने को जो है बड़ा करने के लिए और भी कोई यहाँ आए थे आपके हाँ आए थे राकेश टिकर जी आए थे हमारी हौसला अफजाई करके गए उन्होंने गेट पर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और हमारी हौसला अफजाई करके गए और पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है उन्होंने कहा हमारे कोई बात नहीं डीएम भी रहेंगे रहेगा कब तक विरोध जारी रहेगा विरोध जब तक जारी रहेगा जब तक मीलों की चैन नहीं घूमती इंग्लैंड जारी कराएं पर्ची दे दें पेमेंट दे दें चले जाएंगे हमारा सरकार से मांग की थी कि हमारे रबी सीजन की बुवाई 1 नवंबर से शुरू हो इसलिए हमारे जो पीढ़ी का गन्ना है वो अगर हमारा 15-20 नवंबर तक पड़ जाए तो कुछ हमारे किसान अपने गेहूं की बोनी उसमें गन्ने में खेत में कर लेंगे सरकार से ये डिमांड हुई 17 तारीख में ये वार्ता हुई शासन से मुख्यमंत्री जी से तो उन्होंने ये कहा था कि हर कीमत पे हम 25 तारीख तक फैक्ट्रियाँ चलवा देंगे हमने 21 तारीख को अल्टीमेटम दिया कि अगर 24 तारीख तक फैक्ट्री नहीं चली तो 25 से हम आंदोलन पर बैठ जाएंगे लेकिन फैक्ट्री मालिकों ने ना मुख्यमंत्री की मानी ना शासन की मानी ना प्रशासन की मानी अपनी मनमानी करते हुए अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में किसी एक फैक्ट्री का पहिया नहीं है